हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल और वीडियो में बात करेंगे पिटबुल टोकन के बारे में और ये एक मीम टोकन है और इसमें बहुत अच्छी अपडेट आई है जब से वो अपडेट आने की बात हुई थी उसके बाद से अगर इसको प्राइस में जो सर्च देखेंगे या पंप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट का इसने प्रॉफिट दे चुका है ऑलमोस्ट अगर सेवन डेज़ का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेवन डेज से अगर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट का इसने प्रॉफिट दिया है अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है आज का यहाँ प्रॉफिट देखें तो करीबन फोर्टी परसेंट का पंप दिया था अब ये नीचे की ओर जा रहा है थोड़ा सा रिकवर करेगा येस रिकवर यहाँ पर इसको ज़रूरी है क्योंकि इसका जो अभी जो न्यूज़ है न्यूज़ उसी तरह का है यहाँ पर देखिए कोई ओके एक्स जो एक्सचेंज है ये पिटबुल को लिस्ट कर दिया है ऑफिशियली सो येस इसमें कल परसों से बात चल रही थी इसमें कंपटीशन कॉम्पिटिशन भी था इसमें आप उसमें पार्टिसिपेट किए होते तो आपको एड्रॉप भी मिलता बट फिलहाल जो है इसके वजह से यही न्यूज़ की वजह से इसमें बहुत बड़ा पंप अभी आपको 100 परसेंट का जो पंप है आपको नज़र आ रहा है इस टोकन पे अगर इसको होल्ड कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो चेक कीजिएगा तो आपको भी ये चीज़ नज़र आएगा बट अगर आप इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए अभी आप अगर से एक्सचेंज से खरीदना चाहते हैं तो येस आप बिल्कुल जाके ओके एक्स से खरीद सकते हैं आपको यहाँ पर रिवार्ड भी एवरी वीकली मिलता है इस टाइप का जितने भी टोकन होते हैं खास करके ओके एक्स में मैं तो अभी ट्राई नहीं किया हूँ बट येस किसू में ट्राई किया हूँ जो मेरा किसू इसमें होल्ड करके रखा हूँ उसमें हमेशा मुझे एवरी वीक हमको यहाँ से रिवार्ड मिलते रहता है और इसका बर्निंग भी देखेंगे तो गाइज बहुत अच्छा कहा जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से देखेंगे तो 7.7 ट्रिलियन टोकन्स जो है बर्न हो चुके हैं ऑलमोस्ट 60 परसेंट के आसपास अगर 2022 में केवल देखेंगे तो दो दो बीस ट्रिलियन का यहाँ पे आपको बर्निंग नजर आ रहा है तो ये बहुत स्पीड हो रहा है देखिए खास करके इस टाइप का जो टोकन होता है वो ट्रांजेक्शन्स चाहे आप बाई करें चाहे आप उसमें सेल करें आपका दोनों ट्रांजेक्शन में जो होल्डर्स उनको फ़ायदा होते रहता है हर ट्रांजेक्शन में जो भी फ़ीस कटते हैं वो फीस आपको एज अ रिवार्ड मिलते रहता है तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में तो बहुत अच्छी बात है आपको वहाँ पर आपको आपका जो रिवार्ड है आपको मिलते रहेगा अगर सेंट्रलाइज में है तो आप चेक कीजिएगा ओके एक में अगर होल्ड कीजिए यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है ठीक है क्योंकि किसी इन में मिलता है तो ऑब्वियसली बात है बुल में भी आपको देना चाहिए वो आके आने वाला टाइम पे पता चलेगा एक सप्ताह बाद ठीक है सो गाइज ये था अपडेट और अगर आप इसको होल्डर्स देखेंगे तो अगर बर्न वाले यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पे रेगुलर बन हो रहे हैं तो आने वाला टाइम पे इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं खासकर करके अभी इंडिया में आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टैक्स का जो अभी लफड़ा चल रहा है बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला आने वाला टाइम पे किस तरह से टैक्स फाइल होगा वगैरह सो बेटर है कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन ठीक से आ नहीं जाता है कि क्या होने वाला आने वाला टाइम पे फिर इसका जो टैक्स टेक, स्लैब है वो शायद रिव्यू हो जाए सो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा टैक्स आए या फिर कम थोड़ा सा टैक्स लगे जहाँ पर आप देने में भी आपको टैक्स देने में भी आपको इतना अखड़ेगा नहीं यस बट उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पोजिशन में इनकमिंग डैस जाए तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है यही कारण है आप यहाँ पे इसको साल दो साल के लिए होल्ड करने का अभी प्लान बना लीजिए अभी से यहाँ पे एस के थ्रू आप इसको भी खरीद सकते हैं या कुछ अमाउंट में क्योंकि मिम टोकन है तो आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं है आपको थोड़ा अमाउंट में यहाँ पर लगा करके हमारा टारगेट रहेगा पहला दो जीरो यहाँ से किल करने का सो so गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको तो इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा अगर आपको होल्ड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर आप जी मेरा चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय